हाय, दिस इज नेहा मारदा, यानी कि आपकी प्यारी सबसे दुलारी बालिका वधू की गहना और आपकी प्यारी उर्मी. यू कीप फॉरगेटिंग, सो आई कीप रिमाइंडिंग यू दैट वेयर हैव यू सीन मी एंड हाउ हैव यू सीन मी. बट ओके, आप सोच रहे होंगे कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ. तो किचन में मैं वही कर रही हूँ जिसके लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था. So before anything, I would want to say thank you so much for loving so much. आपने मेरे पहले वीडियो को इतना पसंद किया, इतना लाइक किया. You have all subscribed and I'm so happy that everybody has given their comments, their love, their blessings and have shared. And I was actually not expecting this to happen with the first video. So that had made me sure कि मैं अब वो सारे वीडियोस बनाऊँ जो आप चाहते हैं. सो आई कीप इंसिस्टिंग एवरीबडी कि आप लोगों को जो भी मुझसे चाहिए या जो भी वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊँ, सो प्लीज़ स्टार्ट कमेंटिंग एंड आस्किंग मी दैट दिस इज़ व्हाट यू वांट. सो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आई हैड वन रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन दैट यू नो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ हेक्टिक स्केड्यूल एट माई शूट एंड वर्किंग एंड नाउ डूइंग एल्बम्स एंड सम मोर थिंग्स विच आई कैन टॉक अबाउट विच आई एम एक्साइटेड अबाउट, बट मैं ये कैसे करती हूँ. एंड एट द सेम टाइम आई somehow try and see myself fit enough, because that is one thing जो मुझे ज़िंदगी में बहुत 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 ज़्यादा प्यारी है अपने लिए, कि मेरा फिटनेस. मैं जो भी कपड़े पहनूँ, ज़िंदगी में ऐसे कोई कपड़े नहीं होते हैं जो वल्गर होते हैं. इट जस्ट द बॉडी दैट मेक्स इट एज परफेक्ट एज पॉसिबल. सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो सारी चीज़ें पहन सकूँ, वो सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ, बट एट द सेम टाइम आई शुड लुक प्रिटी नाइस एंड आई शुड बी फिट एंड हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में. ऑफकोर्स वी ऑल नो दैट द पैंडमिक वी आर गोइंग थ्रू, हम इतने बड़े पैंडमिक से गुजर रहे हैं और इसमें हमारा फिट रहना बहुत ज़रूरी है. सो इसीलिए मैं आज किचन में हूँ एंड आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू नॉट मच बट सम स्पेशल ड्रिंक्स, मॉर्निंग ड्रिंक्स, जो कि हमारे सेहत के लिए, हमारे पूरे दिन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सो लेट्स गेट ऑन विद द ड्रिंक्स फॉर टुडे. यस, सो नेहा यानी कि मैं सुबह सुबह उठकर सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट आई लुक फॉर दैट आई एम यूज टू दिस नाउ. लोग कहते हैं चाय, लोग कहते हैं कॉफ़ी, लोग कहते हैं ब्लैक कॉफ़ी, बट जो पहली चीज़ ना कि मैंने इसलिए ली है कि मुझे बहुत पसंद है, बट इट इज़ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट आई विल टेल यू. सो हम सब जानते हैं नींबू, राइट? सो आपको बस एक पूरा नींबू लेना है और शहद. डेफिनेटली बहुत लोगों का ये कहना है कि सुबह सुबह नींबू शहद गर्म पानी में, ये आई एम श्योर बहुत लोगों को मालूम है, 90% ऑफ द वर्ल्ड नोज इट. बट डू यू नो दैट कि एवरी डे टेकिंग शहद विथ नींबू डिहाइड्रेट्स योर बॉडी, आपके बॉडी को अंदर से निचोड़ता है, सुखा देता है. तो कोई भी चीज़ अति करना ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट भी बनता है कि हम उसे बैलेंस कैसे करें लाइफ में. सो आई वुड रेकमेंड दैट एवरीबडी शुड रिमेंबर दिस कि शहद हमें रोज़ नहीं लेना है. शहद हम हफ्ते में दो बार ले सकते हैं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग विथ ल्यूकवॉर्म वाटर, हनी. सो ये बन गया हमारा नींबू शहद का कॉम्बिनेशन विद द ल्यूकवॉर्म वाटर. इट इज़ डैम नाइस, इट्स हाई इन सिट्रस एंड शहद आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एवरीडे शहद वुड डिहाइड्रेट योर बॉडी.
So remember, weekly you can go only twice with the shahad and rest of the day early morning drink with nimbu shahad. So yes, we completed with nimbu shahad. अब important ये है जानना कि आपको vegetables की कितनी knowledge है. Vegetables are the most important part of our body. वैसे हम soup के form में कई बार कोशिश करते हैं कि हम vegetables को ले लें या फिर अलग अलग सब्जियों में डाल के खाने की कोशिश करते हैं. बहुत अच्छी बात है. Something is better than nothing, ये मैं हमेशा से मानती हूँ. लेकिन क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ें अपनाएं जो एब्सोल्युटली बैंग ऑन. देर इज़ नथिंग लाइक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. देर इज़ लाइक एवरीथिंग इज़ दिस इज़ इट. सो मेरे पास आज एक ऐसा ट्रिक है बताने के लिए आपको जो डेफिनेटली मेरे लाइफ में चेंजेस आई हैव सीन. आई यूज़ टू हैव अ लॉट ऑफ मार्क्स ऑन माई फेस. आई यूज़ टू हैव, वैसे भी मेरे बाल बहुत स्कैंटी हैं, ये इसीलिए मैंने, आपने देखा होगा कि जूड़ा बनाया है, सो दैट यू नो इट लुक्स अ लिटल फ्लफी. बट देन जितने थे उससे बहुत बेटर हो चुके हैं. आई मीन आई यूज़ टू बी रियली रियली नॉट हैप्पी कि मेरे बाल बहुत पतले हैं, मेरे चेहरे पर बहुत सारे मार्क्स हैं और ग्लो तो बिल्कुल नहीं रहता था. So and now I know that I can just walk out without makeup. मुझे पता है क्योंकि a little bit of lipstick and kajal can work for me. इसके पीछे का राज ये है कि कच्ची सब्जियों का कच्चा रस निकालें, कच्ची सब्जियों का कच्चा रस निकालें और उसे पी लें. ये बहुतों ने किया भी होगा लेकिन गलती एक और हो जाती है कि जब हम वो कच्चे सब्ज़ी का कच्चा रस निकालते हैं और उसे अगर 5 मिनट से ज़्यादा अगर आप रख देंगे तो उसमें एसिडिटी फॉर्म हो जाती है, गैस फॉर्म हो जाता है. सो यू कैन नॉट टेक इट एंड एज सून एज यू टेक इट यू फॉर्म एसिडिटी और आपको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है. और जब प्रॉब्लम होती है तो आपको लगता है कि मैंने अभी अभी ये शुरू किया था, ये मुझे सूट नहीं कर रहा है. सो आई शुड टेल यू, none of the vegetable, raw vegetable juice can never go wrong on you. Either you are diabetic, either you are high on sugar, high on BP, low on BP, anything. I mean any problem, kidney problem, ulcer problem. But raw vegetable ka juice kabhi galat ho hi nahi sakta. Lekin ye galat tabhi hota hai jab aap isko banakar 5 minute se upar rakh dete hain. I would just say that you make it, you immediately gulp it. So today I will give you a recipe how to make it. Before that, I would also introduce you with something jo aap second meal of the day, as a second drink of your day, you can take it. Drumstick ke baare mein kitno ne suna hai? Drumstick, I'm sure aapko pata hoga, ek lambi si sabzi hoti hai, jo ek stick form mein hoti hai. Aur khair, main Calcutta se hoon aur Bengali is in कूट कूट के मुझ में निकल कर आता है. सो आई कैन ऑलवेज से दिस इज़ कॉल्ड डाठा. बंगाली में इसे डाठा कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे ड्रमस्टिक कहते हैं. और जब हम इसका पेस्ट पीस कर तैयार करते हैं तो ये कुछ मेहंदी जैसा दिखता है. दिस लुक्स लाइक सम हीना मेहंदी काइंड ऑफ थिंग. आई एम श्योर यू कैन सी इट. सो ये दो तरीके से आप बना सकते हैं. एक इसको सोक करके, एक तो मैंने ये पाउडर फॉर्म में बना लिया है, स्टिक्स को सुखा दिया था और उसके बाद इसको मिक्सर में इसको पाउडर बना लिया है. सो यू गेट इट्स एन ईजी फॉर्म, देयर इज नो फॉर्मेशन. सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज़ दैट अगेन, गुनगुने गर्म पानी में आप एक चम्मच ड्रमस्टिक पाउडर को मिक्स करें. इट टेक्स अ लिटल टाइम टू सोक इन बिकॉज इट्स इन द पाउडर फॉर्म. आप देख सकते हैं पानी के अंदर जाने के बाद भी ये टाइम लेता है. सो दिस नीड्स टू बी लेफ्ट फॉर सम 7 मिनट्स to 10 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, जिससे कि ये पूरी तरीके से घुल जाए. ओके, यस, आई थिंक इट इज़ गुड टू गो नाउ. सो दिस इज़ द सेकेंड ड्रिंक ऑफ द डे जो आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है. आई वोंट से कि इट एड्स अप टू योर इम्यूनिटी, बिकॉज इम्यूनिटी के लिए हमारे पास अभी दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपके स्किन और हेयर के लिए इट्स आउटस्टैंडिंग. Not good, but good in life. So, try this. It is so refreshing. So, this is one thing that I have to share this with you. वैसे मैं इस कप में आपको समझा नहीं पाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ें हैं.
that has made it that special. This is the biggest immunity booster that I've been having since 6 months, and I think main bahut I am pretty exposed to the world. Not that ki main precautions nahi leti ya dhyan nahi rakhti, mask, sanitization, everything, but at the same time itne sare log milte hain, because of course you are shooting, you are traveling, you are doing photo shoots, you are doing albums, you are doing everything possible. See, we cannot run away from the truth कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कब कैसे कहाँ क्यों हो जाए किसी को पता नहीं है. सो आई थिंक दिस इज़ वन ड्रिंक दैट इज़ कीपिंग मी, दिस इज़ लाइक अ गॉड्स ब्लेसिंग टू मी, और मैं इसकी वजह से अभी तक बची हुई हूँ. सो आई वुड वॉन्ट टू शेयर दिस माई सीक्रेट स्टोरी विथ यू. इस ट्रांसपेरेंट ग्लास में मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगी कि इसमें क्या क्या है. आई एम श्योर इफ़ यू कैन सी इट, मैं आपको और भी प्रिसाइजली बताती हूँ. गिलोई आप समझते होंगे, गिलोई इज़ संस्कृत वर्ड फॉर अ काइंड ऑफ जड़ी बूटी होता है. गिलोई है, इसमें इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च है, तेजपत्ता है, तुलसी है, एंड आई थिंक आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग. यस, सो ये सारी चीज़ों को आप एटलीस्ट यू नीड टू बॉयल इट फॉर 15 to 20 minutes. और वैसे ये जब मैंने बॉयल करने रखा था तो इट वॉज़ दिस मच ऑफ वाटर, बट आफ्टर बॉयलिंग द वाटर इट कम्स टू दिस मच. इट इज़ अमेजिंग टू हैव इट. अगर आपको सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, सर दर्द या कुछ भी तरह की हरकतें अगर आपको अपनी बॉडी में लगती हैं, तो वंस यू हैव इट, और मे बी ट्वाइस अ डे इफ़ यू हैव इट एंड यू आर आउट ऑफ इट. सो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ एन इम्यूनिटी बूस्टर, विच इज़ वन थिंग जो आपको हेल्दी रखता है, अंदर से स्ट्रॉन्ग रखता है. लेकिन एक और चीज़, इसके ड्रॉबैक भी मैं बता देती हूँ अभी के लिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड टेक इट एवरी डे. लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये आपको बहुत गर्मी देता है अंदर ही अंदर. इट मेक्स अ लॉट ऑफ हीट इनसाइड योर बॉडी. राइट नाउ हीट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. गर्मी हमारे बॉडी में ज़रूरत है, इसीलिए हम इस चीज़ को ले रहे हैं. बट टेकिंग एवरी डे काढ़ा इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड. यू गेट पिम्पल्स, यू रैशेज, कई चीज़ें ऐसी थोड़ी थोड़ी हो जाती हैं जो नॉर्मल हम शायद ना पसंद करें. लेकिन अभी के लिए इट इज़ वेरी गुड. एंड मे बी क्वान्टिटी, अगर आपको रोज़ लेना भी है, क्वान्टिटी कम कर दीजिए. मेक इट दिस मच लाइक टू कप्स ऑफ टू सिरप के ढक्कन जैसा, एंड हैव इट. कोई चीज़ कम हो जाएगी तो उसका इफेक्ट भी कम हो जाएगा. तो आई थिंक टेक इट एवरी डे बट इन अ लेसर अमाउंट, बट इट इज़ दी बेस्ट इन माई वार्डरोब ऑफ लिस्ट दैट आई हैव टू शेयर विद यू. इसके इंग्रेडिएंट्स मैं साइड में लिखूंगी भी, एंड यू विल गेट टू नो व्हाट ऑल टू पुट इन साइड एंड हाउ टू मेक इट सो दैट द लाइफ बिकम्स मोर ईजियर फॉर यू. इट इज़ जस्ट अमेजिंग. इट्स बेटर देन टी ऑल्सो. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मील ऑफ द डे. जब हम डाइट पे जाते हैं या हमें लगता है कि नहीं अब तो क्रैश डाइटिंग करके हमें कुछ ना कुछ करके एक टाइम के लिए वी हैव टू गेट रेडी एंड मेक दिस शो. मुझे शादी में जाना है, या मुझे एक हफ्ते के चैलेंज में वेट लूज़ करना है, या हाय मेरे दोस्त की शादी है, यू नो आई हैव दिस शो टू गो, या कोई भी प्लान्स होते हैं हमारे लाइफ में, या कभी ऐसा होता है कि न्यू ईयर्स आ रहे हैं तो आई हैव टू वेयर समथिंग एंड आई हैव टू लुक फिट. तो एक ऐसा मील है जो हैवी होता है, जो बहुत फिलिंग होता है, जिससे पेट भर जाता है, एंड एट द सेम टाइम यू डोंट पुट ऑन वेट एंड इट इज़ टेस्टी. पीने में मज़ा और साथ में पेट भी भरता है. सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई हैव अ सीक्रेट, आई वोंट से सीक्रेट, इट्स माई लवली मील विच आई वेट फॉर, विच आई लाइक. और मुझे जब भी कोई अवार्ड शोज करने होते हैं, या मेरी कोई परफॉर्मेंस है, या मे बी आई हैव टू वेयर अ लो वेस्ट लहंगा एंड आई हैव टू गो फॉर अ बिकनी शूट और वट एवर, सो आई एम ऑलवेज अपराइट कि मुझे वो एक हफ्ते का चैलेंज चाहिए एंड आई एम देयर. सो आई विल शो यू नाउ. सो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं बनाना शुरू करूँ, मैं आपको इंग्रीडियंट से रूबरू करा देती हूँ कि वट ऑल आर वी यूजिंग. यू मे नॉट लाइक इट टू हियर इट, बट बनने के बाद इट इज़ अमेजिंग. जैसे कि मम्मी बैंगन बनाती थी और मैं कहती थी कि मुझे बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है मम्मी, आई कॉन्ट हैव इट. लेकिन जब बन के आता था, मम्मी ऐसा बनाती थी कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि वो बैंगन है. सो आई यूज़ टू लाइक इट. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इंग्रेडिएंट्स जिससे कि आप बना सकें, बट बनाने के बाद बच्चों को भी पिलाना है या खुद भी पीना है, तो इट इज़ द मोस्ट हेल्दी ड्रिंक. इट्स
इट्स अगेन इम्यूनिटी प्लस गुड प्लस एवरीथिंग वन एंड ऑल. सो ये आप देख सकते हैं करेला. आई एम श्योर करेला सुनते ही सबका मुंह बन जाता है पहले, करेला हु ईट्स दिस, बट अच्छा है जब ये पूरा बन जाएगा तो इट्स गोइंग टू बी रियली नाइस. सो वी यूज करेला, हम वी कैन यूज़ पुदीना, वी कैन यूज़ तुलसी, हम ये सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. हम थोड़ा सा क्यूकम्बर लेते हैं विच इज़ अगेन वेरी हाइड्रेशियस. 90% ऑफ क्यूकम्बर इज़ वाटर, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्किन. इसमें हम थोड़ा सा लौकी लेते हैं, थोड़ा सा गाजर लेते हैं, थोड़ा सा कैप्सिकम लेते हैं, और यस थोड़ा सा बीट रूट लेते हैं. अगेन बीट रूट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, तो आई लव इट. तो ये सारे मिक्सचर्स के साथ ये सारे वेजिटेबल्स हैं. वन मोर थिंग दैट यू कैन ऐड इन इज एप्पल. अनलाइकली, किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन इस वेजिटेबल के कॉम्बिनेशन के साथ आप एप्पल को भी ऐड कर सकते हैं. सो ये तो मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए. अब मैं आपको इसे बनाना बताती हूँ. बनाना इज नो टफ, इट इज़ लाइक एनी नॉर्मल थिंग. आपको मिक्सी में पानी डालना है, पानी के साथ आपको ज़रा सा पानी, और उसके साथ ये सारी वेजिटेबल्स डालनी है, और स्मूदी रेडी है. उसके अंदर आप रॉक सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालकर योर मील इज़ रेडी. एंड आई थिंक इट इज़ यम. इफ़ यू वांट टू मेक इट स्वीट, सो यू कैन पुट जागरी और हनी. एंड इफ़ यू वांट टू मेक इट लिटिल नमकीन एंड सॉल्टी, देन आप रॉक सॉल्ट के साथ, ब्लैक पेपर के साथ. कुछ लोग ऑरिगैनो भी डालना पसंद करते हैं, और कुछ बहुत ही भयानक होते हैं जो चिली फ्लेक्स भी डालते हैं. But I like it this way with a rock salt and black pepper. So you can decide your own. Now I'm going to make you this combination ready, which is guess what? Tantadan! Finally, the drink is ready. It is as simple as easy. इसलिए इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता. मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसको कैसे कॉम्बिनेशन में बनाते हैं और कैसे रेडी करते हैं. Why it is red? आपके पास ये क्वेश्चन ज़रूर होगा, क्योंकि आपने देखा है कि more of green was there, but ये maroonish strawberry color कहाँ से आ गया? Not that case में strawberry है, लेकिन इसमें beetroot है. So beetroot has a lot of color. That's why it is this color. And I am ready to have it now. This is just killer. Everybody should try this. And now, signing off here, this is Neha Marda. Thank you once again for giving so much of love. Itna pyar dene ke liye, itne sare bharmar questions ke saath, comments ke saath, emojis ke saath and questions ke saath. So I totally enjoying this time of my new YouTube channel, which you people are enjoying it so much. Aur main aapse tehe dil se shukriya karna chahungi, aapke comments, aapke queries, aapke solutions, aapke questions, aur main khud personally live aakar sare solve karna bhi chahungi. But for that you have to subscribe the channel. Please subscribe the channel so that you can see more such videos to coming up on the way. Sirf abhi tak to maine juice banane sikhaye hain, iske baad main aapko khana banana aur beauty tips, and of course I have a lot of questions coming around that how do I manage to keep myself that fit. So fitness is not only about
ईटिंग हेल्दी, इट इज़ ऑल्सो अबाउट वर्किंग आउट. एंड वर्किंग आउट डजेंट मीन कि हम सिर्फ जिम करें. वर्कआउट मतलब होता है मेरे हिसाब से, इट इज़ योगा फॉर मी. मेरी ज़िंदगी में योग का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है ज़िंदगी में. सो आई बिलीव इन योगा. एंड ऑन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू सम बेसिक बिगिनर्स योगा क्लास पोस्चर्स. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड ऑफकोर्स आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू से गो ग्लूटेन फ्री एंड गो शुगर फ्री. इसकी बेटर नॉलेज मैं आपको आने वाले वीडियोस में दूंगी, जिसकी वजह से दीज आर द इनिशियल स्टार्ट ड्रिंक्स जो मैंने आपको आज दिखाई है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं. लेकिन हाउ टू कीप मेंटेन दैट बॉडी, आपको लगता है ना कि ये एक्ट्रेसेस की ऐसी बॉडी कैसे होती है, हाउ डू दे मेंटेन, वो कैसे खाती है, क्या करती है, कितना जिम करती है, क्या योगा करती है. बट there is an easy way to everything. I would take you through all of this. Just remember, go sugar free, go gluten free. Iski knowledge main aapko next video mein dungi, lekin immediate next video mein I'll show you some yoga postures which I'll come up with and explain you. Love you. Thank you so much. Subscribe, share, comment,